अर्चना नाम की एक महिला बैंगलोर में रहती थी, अच्छे घर से, माँ बाप बेहद अमीर, ठीक ठाक पढ़ाई की अर्चना ने। उसके बाद बड़ी हुई, घर वालों ने रिश्ता देखा और अर्चना की शादी कर दी। पति भी जो है वो बेहद अमीर, अच्छे घराने से, दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही है। शादी के कुछ वक्त के बाद दो बच्चे होते हैं अर्चना के, एक बेटी और एक बेटा। गृहस्थी ठीक ठाक थी, दोनों ने करीब 15 साल साथ निभा लिए। 15 साल एक लंबा अरसा होता है। 15 साल दोनों साथ रहे, लेकिन 15 साल के बाद मियाँ बीवी के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आई, कुछ खटपट हुई और फिर मामला डिवोर्स तक पहुंच गया, तलाक तक। आखिरकार दोनों की मर्जी से यह तलाक हुआ और इस तलाक के लिए जो समझौता हुआ उसके तहत अर्चना के हस्बैंड ने अर्चना को 15 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया, उसके बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, अर्चना के खर्चे के लिए। चूंकि अर्चना के हस्बैंड एक अमीर शख्स और सीधा साधा इंसान भी, उसे लगा बच्चे भी उसके हैं, तो 15 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ और अर्चना को 15 करोड़ रुपए मिल गए। अब अर्चना के पास 15 करोड़ रुपए थे। इस दौरान में अर्चना के अपने माँ बाप भी बेहद अमीर थे। अर्चना के फादर ने अर्चना को 40 करोड़ रुपए, 40 करोड़ की कुछ प्रॉपर्टी थी अलग अलग, वो उसके नाम कर दी, क्योंकि अर्चना उनकी इकलौती बेटी थी। अब अर्चना के पास 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जिसकी वो मालकिन, 15 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर बैंक में। अर्चना ने इन पैसों से रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। ठीक ठाक रकम थी उसके पास, उसने एक रियल एस्टेट कंपनी शुरू की बैंगलोर में और काम भी ठीक ठाक चल पड़ा, कई मुलाजिम भी रखे। इसी दौरान इस रियल एस्टेट कंपनी में जब उसने काम करना शुरू किया, उसके साथ एक और शख्स ने काम करना शुरू किया जिस पेशे को बढ़ाने में उसने काफी मदद की, इस रियल एस्टेट के बिजनेस को। कुछ दिनों के बाद उस शख्स से अर्चना को प्यार हो गया, प्यार परवान चढ़ा। थोड़े दिनों के बाद अर्चना ने उस शख्स से दूसरी शादी कर ली। पहली शादी चूंकि ऑलरेडी तलाक हो चुका था, बच्चे दोनों पास थे, पैसा भी था, बिजनेस भी चल पड़ा, प्यार हुआ, अर्चना ने अब दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद अब दोनों रियल एस्टेट के बिजनेस में लगे रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त बीता, फिर रिश्तों में कड़वाहट आई। अर्चना को लगा कि शायद उसने गलत फैसला कर लिया, गलत आदमी से शादी कर ली। कुछ बिजनेस को लेकर भी आपस में मियाँ बीवी में लड़ाई शुरू हो गई, तो ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इस दौरान में अर्चना बिजनेस को लेकर बड़ी परेशान थी, क्योंकि अब हस्बैंड जिससे शादी की वो बिजनेस में पार्टनर भी, और उसके साथ खटपट भी हो गई बहुत सारी चीजों को लेकर, तो कंपनी में झगड़ा भी होता। और इसके बाद परेशानी में अचानक उसी कंपनी में एक और मुलाजिम था जिसका नाम था नवीन, एक नया कैरेक्टर यहां से उभरता है। तो जिस रियल एस्टेट कंपनी में अर्चना ने शादी की, जिस शख्स से जिसने उस कंपनी को चलाने में मदद की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में कंपनी के ही पैसों और बाकी चीजों को लेकर झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में एक शख्स नवीन ने, उसी कंपनी के मुलाजिम ने अर्चना का सपोर्ट किया, अर्चना का साथ देना शुरू किया। अर्चना को लगा कि ये उसका हमदर्द है। धीरे धीरे अब अर्चना के मन में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जागना शुरू हुआ। इस दौरान में फिर यह खुलासा हुआ कि जब अर्चना ने दूसरी शादी की थी और पति से खटपट हुई, तो उस वक्त किसी जिम इंस्ट्रक्टर या जिम ट्रेनर के साथ अर्चना की नजदीकियां बढ़ रही थी और ये बात उसके पति को पता चली और फिर दोनों में झगड़ा हुआ। बिजनेस को लेकर अलग झगड़ा था, तो आखिरकार इस झगड़े का अंजाम भी दूसरी बार अर्चना की जिंदगी में तलाक की शक्ल में सामने आया। अर्चना ने अब दूसरे पति से भी तलाक ले ली। अब दो नाकाम शादी, अर्चना फिर से अकेली। लेकिन इस दौरान में नवीन ने जो उसकी मदद की, अब नवीन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एंट्री मारता है और इसके बाद अर्चना नवीन के करीब आती है। अब अर्चना को तीसरी बार प्यार होता है, इस प्यार को भी एक मकाम मिलता है। अर्चना नवीन से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिन बाद यहां भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता अब नवीन ने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। नवीन को मालूम था कि अर्चना के पास बेशुमार दौलत है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फादर की तरफ से 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिले, प्रॉपर्टी पहले पति से मुआवजे के तौर पर तलाक पे 15 करोड़ रुपए मिले। तो कहीं ना कहीं नवीन ने जो अर्चना से शादी की उसके पीछे दौलत की हवस थी। उसे लगा कि अगर वो शादी कर लेता अर्चना से तो इतने करोड़ों का मालिक वो भी बन जाएगा। और वही असलियत धीरे धीरे अब सामने आने लगी। शादी के कुछ वक्त के बाद, करीब 5 साल पहले की बात है जब अर्चना ने तलाक दिया था और उसके बाद फिर नवीन जिंदगी में आया, नवीन से शादी कर ली। अब नवीन अर्चना से ये चाहता था कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस है, उसमें उसको वो पार्टनर बनाए, चूंकि वो उसका हस्बैंड है, पति है, तो एक पति के तौर पर उसका भी उसमें हक है। शुरू में उसने यूं ही उसको टटोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि अर्चना शायद अपने प्रॉपर्टी में से उसको कोई हिस्सा नहीं देगी। अब अर्चना का एक बेटा और बेटी, बेटे की उम्र 16 साल, बेटी उससे ज्यादा बड़ी। नवीन को लगा कि जिस मकसद से उसने शादी की वो मकसद शायद
फेल हो जाएगा। अर्चना अपने जायदाद में से पैसे नहीं देगी और वो बार बार उसको फोर्स करता है और इस बीच में दोनों में अब झगड़ा शुरू हुआ। इसी दौरान में अर्चना की एक बेटी जो पहले पति से थी युविका, कायदे से नवीन उसका सौतेला बाप था। अर्चना ने 3 शादियां की थी, तीसरा पति नवीन था और युविका पहले पति से हुई बेटी थी, तो दोनों के रिश्ते बाप और बेटी के ही थे, बेशक सौतेली बेटी हो या वो सौतेला बाप। नवीन के मन में पैसों का लालच इतना ज्यादा था कि जब उसे लगा कि अर्चना उसे पैसे देगी नहीं तो उसने वहीं से कुछ और सोचना शुरू किया। इसके बाद उसने अर्चना की बेटी को टटोलना शुरू किया, पता चला कि उसे भी पैसे की जरूरत है, वो भी प्रॉपर्टी और बाकी चीजों में हिस्सा चाहती है। यहीं से नवीन को घर में कमजोर कड़ी मिल गई। अब उसने युविका को भड़काना और बहकाना शुरू किया, धीरे धीरे उसने रिश्तों को कलंकित किया और अपनी ही सौतेली बेटी को अपने ही प्यार के जाल में फंसा लिया। उसने युविका को लालच दी कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो तुम्हारी माँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई को भी नहीं मिलेगी, बाकी को भी नहीं मिलेगी, सिर्फ हम दोनों के हिस्से में आएगा जो करीब 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये वो शख्स कह रहा है जो रिश्ते में उसका सौतेला बाप लगता है, जो अर्चना का तीसरा पति है और वो बेटी जो अर्चना के पहले पति से पैदा हुई है, लेकिन माँ तो उसकी सगी है, लेकिन वो भी पैसे की लालच में थी। अब अर्चना और नवीन, अर्चना की बेटी और नवीन के बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है। धीरे धीरे ये बात अर्चना के कानों तक पहुंच जाती है कि उसका पति उसी की बेटी के साथ प्यार की एक तरह से पींगे बढ़ा रहा है और उसे यह भी पता था कि इसके पीछे मकसद क्या है। उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया, टोका डांटा, बेटी नहीं मानी। उसने नवीन को भी हड़काया धमकाया, वो भी नहीं माना। जब नहीं माना तो अर्चना ने अपनी बेटी का खर्चा देना बंद कर दिया, उसको घर से निकाल दिया, नवीन को भी घर से निकाल दिया। अब ये दोनों अलग कहीं किराए पर एक फ्लैट लेकर रहने लगे, सौतेला बाप और उसकी बेटी। लेकिन घर से निकालने के बाद अर्चना ने धमकी दी थी कि तुम लोगों को, बल्कि अपनी बेटी को भी उसने कहा कि कोई जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे और उसने नवीन से कहा कि तुमसे मुझे तलाक चाहिए। तो अब अर्चना तीसरी बार तलाक की कोशिश कर रही थी लेने की और तलाक मिलना भी था, लेकिन उस तलाक को मिलने से पहले 28 नवंबर को उसने एक पुलिस स्टेशन में नवीन के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी और उसने कंप्लेंट में लिखाया कि ये उसको टॉर्चर करता है, उसकी बेटी के साथ इसने जबरदस्ती इलीगल रिश्ता बना रखा है। और बैंगलोर के जिगानी पुलिस स्टेशन में 28 नवंबर को उसने नवीन के खिलाफ हैरेसमेंट, डोरी हैरेसमेंट का केस डाल दिया कि दहेज के लिए हमें तंग कर रहा है। अब नवीन और अर्चना की बेटी दोनों अलग रह रहे हैं साथ लिव इन में। इधर उसने डिवोर्स के लिए धमकी दे दी और पुलिस में कंप्लेंट लिखा दिया। अब नवीन को लगा कि सब कुछ छिन जाएगा, उसे लगा जिस मकसद से उसने शादी की वो भी छिन जाएगा, अब रिश्ता भी खुल चुका है तो हो सकता है उन दोनों के हिस्से में कुछ ना आए, क्या करें। अर्चना अपने 16 साल के नाबालिग बेटे के साथ रह रही। इसके बाद नवीन ने युविका के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने कहा कि अगर हम अर्चना और अर्चना के बेटे यानी कि युविका के भाई इन दोनों को मार देते हैं तो इस सारी दौलत का कोई और वारिस बचेगा ही नहीं, तो वो सारी दौलत हम दोनों की होगी और फिर हम दोनों शादी करके ऐश से रहेंगे। युविका लालच में आ गई, उसने कहा ठीक है। इसके बाद अब साजिश को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू होती है। 27 दिसंबर को बैंगलोर में और कर्नाटक में म्युनिसिपल का चुनाव था, नगर निगम का चुनाव। अर्चना की मां ने कहा कि उसे वोट डालना है और वोटिंग पोलिंग बूथ तक वो अपने साथ ले जाए गाड़ी में। अर्चना ने कहा ठीक है। इसी के बाद अर्चना अपने घर से निकलती है टोयोटा इनोवा कार में और उस पे साथ में उसका बेटा था और एक ड्राइवर प्रमोद और हरीश, तो ये दोनों कार में बैठे हैं। अर्चना अपने घर से अपनी माँ के घर जा रही है ताकि वो उसे वोट डलवाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाए। 27 दिसंबर यानी कि 4 दिन पहले की ही सिर्फ बात है। लेकिन जब ये लोग बेंगलोर के होजा रोड जंक्शन के करीब पहुंचते हैं, एक होजा रोड है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में, तभी अचानक इनकी गाड़ी का रास्ता एक दूसरी गाड़ी ओवरटेक करके रोक लेती है और उसके बाद उसमें से 4-5 लोग उतरते हैं और अचानक अर्चना पे तेज धार हथियार से हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनकी नजर अर्चना के बेटे पे भी थी और ड्राइवर पे भी थी। बाकी लोग अब अर्चना के बेटे को हमला करने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ चोट लगती है लेकिन किसी तरह अर्चना का बेटा वहां से अपनी जान बचाकर दौड़ पड़ता है और दौड़ते हुए दूर निकल जाता है। ड्राइवर भी भाग लेता है, दोनों भाग गए, बची अर्चना। अर्चना को उन्होंने बुरी तरह से मारा, उन्हें लगा अर्चना मर चुकी है, सारे हमलावर वहां से भाग जाते हैं। मारने से पहले बाकायदा वो कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने पुलिस में हरासमेंट का केस डाला नवीन के खिलाफ, और ये सारी बातें अर्चना के बेटे ने भी सुनी।
इसके बाद वहां से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, गाड़ी में घायल महिला को देखते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक में। लेकिन वहां जाते हैं, जाने से पहले ही अर्चना दम तोड़ देती है, अर्चना की मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद बेटे को भी पता चलता है, बेटा हॉस्पिटल में पहुंचता, देखता है मां मर चुकी है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहां कंप्लेंट लिखाता है और कंप्लेंट में लिखाता है कि कैसे उसकी मां पे हमला हुआ, उसे भी मारने की कोशिश की गई, उसके ड्राइवर को भी मारने की कोशिश की गई और ये सब कुछ नवीन ने कराया। अब पुलिस के पास एक नाम था कल्प्रिट के तौर पर, लेकिन अभी तक अर्चना के बेटे को ये पता नहीं था कि उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस अब मामले की जांच करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है उस इलाके का। उसी सीसीटीवी फुटेज में उसे एक दूसरी कार दिखती है, उस कार में उसको नवीन भी दिखता है और सारे हमलावर भी दिखते हैं। पुलिस 7 लोगों को, फिर पहले 6 लोगों को अरेस्ट करती है, नवीन से पूछताछ करती है। नवीन पूरी कहानी बताता है कि हाँ उसने मारा। नवीन ये भी एक्सेप्ट करता है कि युविका यानी अर्चना की बेटी के साथ उसका रिश्ता है और फिर वो बताता है कि इस पूरी साजिश में युविका भी शामिल है। पुलिस इसके बाद युविका को गिरफ्तार करती है, कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और युविका भी नवीन के साथ अपने रिश्ते की बात कबूल करती है और ये भी कबूल करती है कि जैसे कुछ हुआ तो उसे मालूम था कि उसकी माँ को मारने की साजिश रची जा रही है और उसके पीछे मकसद यही था कि माँ मर जाए, भाई भी मर जाए तो सारी दौलत सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। ये इंसानी हवस कैसी, ना जाने कितनी कहानियां हैं, उनमें से एक रिश्तों को कलंकित करने की कहानी, अपनी ही माँ के कत्ल की साजिश में शामिल होने की कहानी, अपने ही भाई का कत्ल करवाने की साजिश में शामिल होने की कहानी और अपने सौतेले बाप के साथ घर बसाने की एक अजीब सी कहानी। तो ये कहानी बेंगलोर की थी। फिलहाल सातो जेल में है और पैसे तो मिले नहीं, हाँ आप सलाखें जरूर मिली उन्हें। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन अब आज का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपको एक मेल के बारे में जिक्र करता हूं। हमारी पुरानी क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं नीता भट्टाचार्य जी जमशेदपुर से, इन्होंने एक मेल लिखा है और जो मेल लिखा है इसलिए मैं आपसे शेयर करना हूं। उस मेल में इन्होंने जिक्र किया, अभी बैनर्जी भी गया था तो मिला भी था इनसे, उन्होंने वो भी बताया था। बहुत सारी बातें आती हैं कि क्राइम या क्राइम की कहानियां, क्राइम की चीजें सुनने से निगेटिविटी आती है, वो भी और भी कुछ लोगों का, वो मैं जिक्र आगे करूंगा। लेकिन पहले नीता भट्टाचार्य जी की बात बताता हूं। लेकिन कई बार मैं ये भी कहता हूं कि इसके दोनों पहलू, मैं बिल्कुल इसका वो दलील नहीं दूंगा कि क्राइम की खबरों, क्राइम के शोज, क्राइम की कहानियों से क्रिमिनल को आइडियाज नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इन चीज़ों से, क्राइम से बचने और क्रिमिनल से बचने के भी कई बार आइडियाज मिलते हैं। और ऐसी एक कहानी लिख के दी है नीता भट्टाचार्य जी ने, भेजी जो उनके घर में हुई। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक ठेकेदार था, ठेकेदार अपने मजदूर भेजता था, वो मजदूर सुबह से आते थे, शाम तक काम करते थे, फिर उसके बाद चले जाते थे, ये चलता रहा। वो क्राइम तक की कहानी पाबंदियां से सुनती हैं। संडे का दिन था और संडे के दिन अचानक उनके दरवाजे पे घंटी बजी। संडे को आमतौर पे उनके घर पे जो काम होता था वो मजदूर उस दिन छुट्टी पे होते थे और ये मजदूर आते थे तो 2 आते थे। जब वो दरवाजे पे गई तो उन्होंने देखा बाहर 3 मजदूर खड़े। तो उन्होंने पूछा कि आज तो संडे है, छुट्टी है, आज काम कैसे? तो उसने कहा नहीं, ठेकेदार साहब ने भेजा है। तो उसने कहा आप 2, ये 3रा? तो उसने कहा ठेकेदार जी ने भेजा ताकि जल्दी काम हो जाए। अब नीता भट्टाचार्य जी के पास 2 चीज़ें थी, या तो दरवाज़ा खोलें और उनको अंदर आने दें। लेकिन अचानक उनके दिमाग में ये बात आई कि एक तो संडे काम होता नहीं, उससे पिछले संडे भी कोई मजदूर नहीं आया था और हमेशा 2 आता, आज 3 क्यों आया? ये उन्होंने अपनी हाजिर दिमागी लगाई। और तीसरी चीज़ उनके दिमाग में ये कौंधी कि अगर आज काम करना था, एक्स्ट्रा मजदूर भेजना था तो ठेकेदार कम से कम उनको पहले फ़ोन करके इन्फॉर्म करता, बताता, पर ठेकेदार का फ़ोन नहीं आया। उन्होंने उन तीनों को दरवाजे पर वेट करने के लिए कहा, अंदर गई और फ़ोन मिलाया, लेकिन इत्तेफाक से ठेकेदार ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन से ही जॉब था। अब वो क्या करें, वापस आई, उन्होंने कहा कि आज काम नहीं होगा, आप लोग जाइए, हमें आपसे काम नहीं कराना। वो तीनों मजदूर लौट गए। दोपहर के वक्त ठेकेदार का वापस फोन आया, मिस कॉल देखा होगा, तो पूछा क्या हुआ। इन्होंने बताया कि आज आपने छुट्टी थी फिर भी मजदूर भेजा, वो भी 3रा भेजा आपने, हमें पता नहीं है। ठेकेदार ने कहा हमने तो कोई मजदूर भेजा ही नहीं, आज तो हमें भी पता है कि काम नहीं होता और मैं 3 क्यों भेजूंगा, 2 ही होता है, तो मैंने किसी को नहीं भेजा। तब उन्होंने कहा 3 आए थे। अब वो कहती हैं कि अगर मैं दरवाजा खोल देती, अच्छा ये दोनों नीता भट्टाचार्य जी और इनके हस्बैंड ये सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं और घर में कोई है नहीं और बुजुर्गों के साथ बहुत सारे क्राइम की घटनाएं हम आए दिन सुनते रहते हैं, तो अगर वो दरवाज़ा खोल देती और वो तीनों आते तो क्या होता? क्योंकि अच्छे मकसद से तो आए नहीं थे, क्योंकि ठेकेदार ने भेजा नहीं था। तो उन्होंने नहीं खोला और ऊपर वाले के क्रम से ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उन्होंने शेयर किया, मुझे लगा आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहिए, इसलिए कि छोटी छोटी चीज़ों और छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखें, ज़रा सा भी कुछ डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करने से पहले कोई और ऐसा कदम ना उठाएं जिससे नुकसान हो, तो हम बहुत सारे ऐसे क्राइम से बच सकते हैं। अगर आपको लगे कि एक शख्स कौन है, घंटी बजा रहा है, अंदर आना चाहता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं, वो टहल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन सन्नाटा है, कोई नहीं है, सब घर में सो रहे हैं और वो अनजान शख्स पानी पीने के बहाने या किसी और बहाने से दरवाज़ा खुलवाता है,
तो ऐसा बिल्कुल ना करें, खासतौर पर जो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हैं, घर में अकेले हैं, जिनकी मदद के लिए कोई मददगार नहीं है, वो तो बिल्कुल जब तक 100% आप ना जानते हो उनको, उनके लिए दरवाजा ना खोले। दूसरी जो एक कहानी आपको सुनाई थी बेलगाम की, एक अपनी क्राइम तक फैमिली मेंबर की लेडी की, जिन्होंने कहा था कि कैसे उनका पति उन्हें टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था, फिर वो छोड़कर आ गए, फिर उसने सुसाइड कर लिया और उसके घर वाले अब उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। मैंने आप लोगों की राय मांगी थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय भेजी। कुल निचोड़ उस राय की जो थी वो ये थी कि जिस पे बीतती है वही समझता है, हम दूर बैठकर अपनी अपनी राय तो बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो 18 साल एक छत के नीचे इस डर और खौफ के साए में हर रात काटे कि पता नहीं क्या होगा अगले पल, वो दर्द, वो फिक्र, वो खतरा, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनका जो फैसला था वो सही फैसला था, उनको छोड़कर आने का, अपने और अपने बच्चों के लिए। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा है कि उनको किसी कर सकती थी कि मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए था ताकि बीमारी दूर हो, बट इस कहानी में शायद ये मेरी गलती, मैंने नहीं बताया, उनका ऑलरेडी इलाज चल रहा था, दवाएं भी मिलती थी, तो उनको दिखाया गया था। तो ज्यादातर लोगों की वही राय थी जो मेरी भी राय है, कैसे हालात में जब हमें लगे कि जीना मुश्किल है इसमें, हालांकि मैं बाकी चीजें हटा भी दूं तो एक चीज, वो मर्द या वो पति जो अपनी पत्नी या किसी औरत या किसी महिला पे हाथ उठाए, मेरी नजर में उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक अपनी उसकी इज्जत है, एक अपना उसका मकाम है, एक नाम है। तो सिर्फ इसलिए कि मैं पत्नी हूं तो कोई मुझे मेरा पति मार सकता है, ये उसका हक है, ये सोच तो होनी ही नहीं चाहिए। तो जहां पे इस तरह के जुल्म हो उसको जरूर आवाज उठानी चाहिए, बट कई बार देखा गया मजबूरी में, लाचारी में, आमतौर पे महिलाएं ये सोचती हैं कि चलो पीट रहा है कोई बात नहीं, घर में तो रख रहा है, खाना तो देता है, अब मैं यहां से छोड़ के जाऊं माँ बाप पे बोझ बन जाऊंगी, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से शादी की है, पता नहीं कितने कर्ज लेके दहेज दिए, अब फिर यहां से निकलूं उनके घर पे जाऊं, वहां पे भी बोझ, वहां पे भाई है, भाभी है, वो भी कहेंगे ये आ गई देखो ससुराल छोड़कर बोझ बनने के लिए। तो ऐसी कई मजबूरियां होती हैं औरतों और खासतौर पर बीवियों के सामने, जिसकी वजह से वो अकेले घुटती रहती हैं, सारे गम सारी तकलीफें खुद ही सहती हैं और किसी को बोलती नहीं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप जिन्हें पैदा किया, जो शायद बहुत बार ऐसा हो कि माँ बाप उनकी तकलीफों को समझे तो वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माँ बाप माँ बाप होते हैं, हर बच्चे के लिए सबसे अगर कोई अपना होता तो वो माँ बाप ही होते हैं, लेकिन वो भी खुददार होती हैं, कहती कहाँ छोटी छोटी बातें अपने माँ बाप को तंग करूँ, अपने भाइयों को तंग करूँ, तो वो घुटती हैं सहती हैं। पर मेरा मानना है कि नहीं सहना चाहिए, जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ पे ज्यादती हो, जहाँ आपके साथ जानवरों जैसा सलूक हो, वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए और उस घर को छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बेलगाम की कहानी उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया था।